क्लास नाइन साहित्य सागर से पाठ एक, उसके उत्तर हम अभ्यास पुस्तिका में उसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और पेज नंबर 14 पर हम हैं, पेज नंबर 14 पे घ भाग पर हैं हम। ठीक है, तो वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी विवशता के संबंध में क्या क्या कहा। वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी विवशता के संबंध में क्या क्या कहा। वक्ता रमजान शेख साहब की ओर इशारा करते हुए अपने मित्र श्रोता रसीला से कहता है कि गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान ही जाने, पर यह तो तय है कि ऐसी ही कमाई वाले लोग कोठियों में रहते हैं और आराम से जीवन बसर करते हैं। वह अपनी विवशता के संबंध में कहता है कि एक हम जैसे गरीब लोग हैं जो रात दिन कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु कठिन परिश्रम का उचित वेतन भी नहीं मिलता है जिससे भरपेट खा सकें, परिवार को सुरक्षित कर सकें। आगे पेज नंबर 15 पर आगे पंक्ति दी हुई है गद्यांश की कि भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। इसका पहला भाग का प्रश्न है कि उपर्युक्त कथन किसने किससे कब और क्यों कहा। तो उपर्युक्त कथन रमजान ने अपने मित्र रसीला से कहा जब रसीला ने रमजान को बाबू जगत सिंह के द्वारा ली जा रही रिश्वत के संबंध में बताया। तब उसने अपनी विवशता पर अफसोस करते हुए यह वाक्य कहा कि रिश्वत लेना पाप है, परंतु ऐसा पाप करने वाले आराम से रहते हैं और ईमानदारी से कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति गरीब और खाली हाथ रहता है। आगे उसका प्रख भाग है कि वक्ता का संकेत किस गुनाह की ओर है, वह गुनाह किसने किया था और कैसे। तो वक्ता रमजान का संकेत रिश्वतखोरी जैसे गुनाह पर है, रिश्वतखोरी जैसे गुनाह की ओर संकेत किया है। यह गुनाह बाबू जगत सिंह और मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन साहब ने किया है। वे किसी भी कार्य को करने के लिए रिश्वत लिए बगैर काम नहीं करते थे, रिश्वत लेकर ही वो झूठ को सच और सच को झूठ बनाते थे और गलत फैसले लिया करते थे। इंजीनियर बाबू भी कोई भी काम हो उनके उसमें आता था तो वह उसकी जो भी काम उनके पास आता था तो लोग उसके एवज में उन्हें रिश्वत, वो दूसरों का काम करने के लिए रिश्वत लिया करते थे। जैसे कोई ठेके पास करना होता है तो उस समय वो उनसे रिश्वत लिया करते थे। ठीक है, आगे है ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता समाज की किस बुराई पर व्यंग कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता रमजान ऊंचे पदों पर आसीन भ्रष्ट अधिकारियों रिश्वतखोरों के अपराध की ओर व्यंग कर रहा है। समाज में ऊंचे पदों पर बैठे प्रतिष्ठित व्यक्ति ही रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को तो खराब कर ही रहा है, साथ ही इससे गरीबों और मजदूरों का हक भी मारा जा रहा है। समाज में आर्थिक सामाजिक स्तर में विषमता की खाई बढ़ती जा रही है जिससे अपराध भी बढ़ता है। आगे प्रश्न है कि वक्ता की यह बात सुनकर श्रोता के मन में क्या विचार आए और क्यों। तो वक्ता की बात सुनकर उसका मित्र श्रोता रसीला के मन में विचार आया कि उसके हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए पर उसका धर्म न बिगड़ा, उसका ईमान न गड़बड़ाया, न कभी उसके मन में लालच आया। यदि वह एक एक पैसा भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती।
उसके मन में यह विचार इसलिए आया क्योंकि सारा दिन कठिन परिश्रम करके भी उससे मात्र 10 रुपया मासिक वेतन मिलता था। वह गरीब पाई पाई के लिए तड़पता था। ऐसे में अमीरों को इस तरह रिश्वत लेते देखकर उसका मन विचलित हो गया कि ये लोग रिश्वत लेकर इतने आरामदायक जीवन जी रहे हैं। आगे फोर्थ भाग है, उसमें रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसका पहला भाग का प्रश्न है, रसीला का मुकदमा किसकी अदालत में पेश हुआ, उनका परिचय दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर है कि रसीला का मुकदमा मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की अदालत में पेश हुआ। शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोसी और रसीला के मित्र रमज़ान के साहब थे। शेख साहब भी एक भ्रष्ट रिश्वतखोर मजिस्ट्रेट थे। वे रुपया लेकर गलत तरीके से फैसले सुनाया करते थे। रिश्वत लेने में वे किसी तरह का मोल भाव नहीं करते थे। उनकी रिश्वत की कीमत तय थी और वे उतना ही लेते थे। उससे कम में वो कोई कार्य करते ही नहीं थे। आगे प्रश्न है कि रसीला का क्या अपराध था। उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इससे उसके चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत होता है। रसीला ने अठन्नी की हेराफेरी की थी। उसने अठन्नी चुराई थी। बाबू जगत सिंह ने उससे 5 रुपए की मिठाई मंगाई थी। वह 4.5 रुपए की मिठाई ले आया और अठन्नी रमज़ान को देकर अपना ऋण उतार दिया। परंतु बाबू जगत सिंह ने उसकी चोरी पकड़ ली। उसने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वह गरीब ईमानदार और मेहनती था। उससे पहली बार अपराध हुआ था, इसलिए उसने किसी तरह का कोई बहाना नहीं बनाया। वह झूठ बोलकर एक और अपराध करने की हिम्मत न कर सका। इससे पता चलता है कि वह एक सीधा साधा ईमानदार गरीब व्यक्ति था। उसने गलती से यह अपराध कर दिया था जिसकी क्षमा उसे मिलनी चाहिए थी। ठीक है बच्चों, तो अब तक जितने प्रश्न बताए गए हैं, जितने मैंने आपको कराए हैं, ये सारे आप लोग करके रखिएगा और बाकी का मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगी। आप लोग अगर नहीं ये सब काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो कृपया ध्यान दीजिए, जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जैसे भी आपको प्राप्त हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, अपने काम को पूरा कीजिए। यह आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाइए। कम से कम पढ़ाई के मामले में लापरवाही ठीक नहीं है। ठीक है, घर में रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने आप को सुरक्षित और सेफ रखिए। बड़ों की बात मानिए। ओके, बाय।